Hello everyone, this is Suman. Welcome to our YouTube channel, that is Avision Institute, Avision for Government Job. आज का करंट अफेयर से 25 अप्रैल 2019. आज का करंट अफेयर से जो जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बन सकता है उसको लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन दैट इज गवर्नमेंट रेजेस द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ इलाहाबाद बैंक टू डैश करोर. इसमें देखिए पांच ऑप्शन है. ऑप्शन ए रुपीज 5000 करोड़, ऑप्शन बी रुपीज 6000 करोड़, ऑप्शन सी रुपीज 9000 करोड़, ऑप्शन डी रुपीज 8000 करोड़, ऑप्शन ई रुपीज 7000 करोड़. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी 8000 करोड़. इसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो इलाहाबाद बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है. इलाहाबाद बैंक में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑथोराइज्ड कैपिटल इशू किया है, कितना 8000 करोड़. इसके पहले इलाहाबाद बैंक में गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल इशू किए थे, लेकिन उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 8000 करोड़. आफ्टर कंसल्टेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिस ऑथोराइज्ड कैपिटल विल इंक्रीज ऑफ द इलाहाबाद बैंक. और भी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी एग्जाम में बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लेता है. तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोलकाता. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल. किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, कहां पर, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल में. तो इसमें पांच ऑप्शन है. ऑप्शन ए विकास खन्ना, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी आमिर खान, ऑप्शन ई नान ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए विकास खन्ना. तो विकास खन्ना को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, कहां पर, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल. तो इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करते हैं, जो आने वाले जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल होगा उसको ऑर्गेनाइज करेगा. तो इसमें दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है. किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल में नियुक्त किया गया, उसका आंसर हो जाएगा विकास खन्ना. और इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल एक ऐसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो आने वाले जो न्यूयॉर्क इंडिया इंडियन फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करेगा. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर थ्री, हु ओन द गोल्ड मेडल एट द एशियन वेस्टलिंग चैंपियनशिप्स 2019 इन 65 केजी कैटेगरी. इसमें पांच ऑप्शन है. ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी सुदेश कुमार, ऑप्शन सी निरंजन दास, ऑप्शन डी महावीर सिंह, ऑप्शन ई बजरंग पुनिया. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ई बजरंग पुनिया. बजरंग पुनिया जो है वर्ल्ड नंबर वन वेस्टलर है इन 65 केजी कैटेगरी में. और बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जीता है कहां पर, द एशियन वेस्टलिंग चैंपियनशिप 2019 जो हो रहा है जियान जो चाइना में है, उसमें 65 केजी कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर फोर, हु बेकेम द फर्स्ट इटालियन टू विन एन एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल एट द रोलेक्स मोंटी कार्लो मास्टर्स. तो इसमें पांच ऑप्शन है. ऑप्शन ए डैनियल ब्रासियाली, ऑप्शन बी फाबियो फोग्निनी, ऑप्शन सी एंड्रेस सिपी, ऑप्शन डी पोटिटो स्टारासी, ऑप्शन ई नान ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी फाबियो फोग्निनी. इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी फाबियो फोग्निनी. तो फाबियो फोग्निनी जो है इटालिया का फर्स्ट टेनिस प्लेयर जिसने क्या किया, एटीपी मास्टर 1000 टाइटल का खिताब जीता है, कहां पर, एट द रोलेक्स मोंटी कार्लो मास्टर में. ठीक है, उसने क्या किया, जो इटालियन जो टेनिस प्लेयर है फाबियो फोग्निनी ने क्या किया, वर्ल्ड नंबर थ्री अलेक्जेंडर जेवर को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है. और एंड स्टंट 11 टाइम चैंपियन राफेल नदल को भी हराकर नंबर फोर में मतलब प्रवेश किया है. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर फाइव, इंडिया ऑब्जर्व्ड नेशनल पंचायती राज डे
on which of the following day? इसमें पांच ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 अप्रैल, ऑप्शन डी 24 अप्रैल, ऑप्शन ई 25 अप्रैल. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी 24 अप्रैल. तो 24 अप्रैल को इंडिया ने क्या करता है, नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है. तो इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं. नेशनल पंचायती राज डे इंडिया में हर साल कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, 24 अप्रैल. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पंचायत को रिकॉग्नाइज किया है किस नाम पर, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. और इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन ने पास किया है कौन एक्ट का द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 में, दैट केम इन टू द फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6, हु रिजाइन्स फ्रॉम एसोचम सेक्रेटरी जनरल पोस्ट. इसमें पांच ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदय कुमार वर्मा, ऑप्शन बी मानस शर्मा, ऑप्शन सी सौरभ सन्नल, ऑप्शन डी रणदीप गिल, ऑप्शन ई विजय शेखर शर्मा. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए उदय कुमार वर्मा. उदय कुमार वर्मा एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है. उसने क्या किया, रिजाइन दे दिया गया सेक्रेटरी जनरल पोस्ट से, किसका, एसोचम का. तो एसोचम का फुल फॉर्म क्या है, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. जो एसोचम जो है वो द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अंडर में है. और उसमें जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कौन था, उदय कुमार वर्मा जी. उसने क्या किया, रिजाइन दे दिया गया. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसमें जिस कंट्री से मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं उसको, उसका जो बैन है एक्सटेंड कर दिया, उस कंट्री का नाम क्या है. तो इसमें ऑप्शन पांच ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी श्रीलंका, ऑप्शन ई ब्राजील. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी चाइना. गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट जो मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है चाइना से उसको, उसका जो बैन है उसको एक्सटेंडेड कर दिया गया. मिल्क प्रोडक्ट मतलब क्या क्या है, चॉकलेट्स, चॉकलेट प्रोडक्ट्स, कैंडीज, कॉन्फेक्शनरी, फूड प्रिपरेशन विद मिल्क और मिल्क सॉलिड्स एज एन इनग्रेडियंट. ओके, और इंडिया का जो फूड रेगुलेटर उसका नाम है FSSAI. तो इंडिया का फूड रेगुलेटर का नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इसको फुल फॉर्म को याद कर लेना, FSSAI, इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसको क्या किया, ये जो मिल्क प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होते हैं चाइना से उसका जो बैन था उस बैन को क्या, एक्सटेंडेड कर दिया गया. और मेलामाइन एक टॉक्सिक केमिकल है जिसको क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करते हैं. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8, हु ओन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड. कौन सा व्यक्ति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड का खिताब जीता है. तो इसमें देखिए पांच ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेनी एंटोनी, ऑप्शन बी सुमित सिन्हा, ऑप्शन सी अलोक शर्मा, ऑप्शन डी माइकल रिचर्डसन, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए वेनी एंटोनी. वेनी एंटोनी एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त है, कहां पर, एक कोची बेस्ड अर्जुना नेचुरल लिमिटेड में. उसको क्या किया, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2019 का अवार्ड दिया गया. कौन सा कैटेगरी में, ऑफ द टॉप इंडिविजुअल फॉर पेटेंट्स एंड कॉमर्शियलाइजेशन. तो इसको फिर से एक बार बोल रहा हूं, बेनी एंटोनी को क्या किया, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया एक कैटेगरी में, वो जो कैटेगरी का नाम है टॉप इंडिविजुअल फॉर पेटेंट्स एंड कॉमर्शियलाइजेशन. और बेनी एंटोनी एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त है, कहां पर, कोची बेस्ड अर्जुना नेचुरल लिमिटेड में. सी इज द
he is the inventor of BCM95, the world's leading patented turmeric extract formulation. जो बेनी एंटोनी जो है एक इन्वेंटर है किसका BCM95 का जो वर्ल्ड्स लीडिंग पेटेंटेड ट्यूमरिक एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन एक कंपनी है. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2019 अवार्डेड टू डैश. तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए रेडियो इंडिया, ऑप्शन बी रेस्पॉन्सिबल इंडिया, ऑप्शन सी ग्रेट इंडिया, ऑप्शन डी ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी ऑल इंडिया रेडियो. तो ऑल इंडिया रेडियो को क्या दिया गया, स्वच्छता पखवाड़ा का अवार्ड 2019 जो न्यू दिल्ली में दिया गया, ठीक है. और ये जो अवार्ड कौन दिया, द सेक्रेटरी इन द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अमित खरे जी ने. और किसको ये जो अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड रिसीव कौन किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एफ शहरियार एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज मिस आयरा जोशी रिसीव द अवार्ड फॉर ऑल इंडिया रेडियो. तो इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड किसको मिला है, ऑल इंडिया रेडियो. कौन इस अवार्ड कौन मतलब कौन दिया, उसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इज दैट इज अमित खरे जी ने. और इस ऑल इंडिया रेडियो का जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड कौन रिसीव किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, एफ शहरियार. और डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज मिस आयरा जोशी रिसीव द अवार्ड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो. तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10. विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2020. तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए टर्की, ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी बहराइन, ऑप्शन ई कुवैत. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी सऊदी अरबिया. सऊदी अरबिया ने क्या कर रहा है, जो 2020 का जो G20 समिट होता है, जो लीडर्स का समिट होता है, उसने होस्ट करेगा. जो सऊदी अरबिया कैपिटल का नाम क्या है, रियाद. और इस बार जो G20 समिट कहां पर हो रहा है, इस बार G20 समिट हुआ है जापान में. और 2018 में G20 समिट कहां पर हुआ है, अर्जेंटीना में है. और जो ये जो 2020 में जो G20 समिट जो लीडरशिप का जो समिट हो रहा है, ये पहला है. दिस विल बी द फर्स्ट G20 समिट टू बी होस्टेड इन द अरब वर्ल्ड. अरब कंट्री में पहले बार G20 समिट हो रहा है. तो इसमें 3 क्वेश्चन क्या गया है, 2020 में G20 समिट कहां हो रहा है, सऊदी अरबिया में जो इसका कैपिटल है रियाद. और 2019 में G20 समिट कहां पर हुआ है, जापान में. और 2018 में G20 समिट कहां पर हुआ थे, उसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना. और सऊदी अरबिया में जो G20 समिट हो रहा है, दिस विल बी द फर्स्ट G20 समिट टू बी होस्टेड इन द अरब वर्ल्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टू गेट द लेटेस्ट अपडेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज अविजन इंस्टीट्यूट एंड टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियो. थैंक यू.